फायदा क्या है अगर ऊपर डाले से? ऊपर डाले से फायदा ये है हाँ, से उपज भी ज़्यादा से हाँ, वजन भी आते हाँ, वजन भी आते, बीमारी भी कम लगती, बीमारी भी कम लगती है। ठीक है, एवन बुआई क्या है? एवन बुआई उथरा का कर बटा रहे कते कर डाले। संगवारी हो, आप जम्मू जन के स्वागत है मोर यूट्यूब चैनल में। संगवारी हो, आज पहुंच गए खेत में हैं। यहाँ अभी सबके थरहा डलाई चलत है, जो बोर वाला प्लांट है जी, यहाँ बोर वगैरह सुविधा है, पानी की सुविधा है, सब रोपा के लिए थरहा डालत है। तो संगवारी हो, दिखा हूँ थरहा कैसे टाइप डालते होला, और मस्त बने रहो वीडियो में। और ब्लॉग जो चैनल है वो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो संगवारी हो, देखता ना के एवन बुआही क्या है? एवन बुआही काकर बटा रहे कते कर डाले प्रकाश चाचे डाले हुई में डला है। कामा ज्यादा धान होते रोपत बोता में नान नहीं रोपत बोता कते में ज्यादा धान रोपम ज्यादा हो हाँ ले ठीक है। रोपक धान वजन कते का? रोपक वजन कते। संगवारी हो, हमारे डहार ए दे ट्रैक्टर में रोटोवेटर लगा के मताई करते, डबल केज बिल वगैरह उपयोग नहीं करे, काबर में मताई वगैरह अच्छा होते। और ये रोपा डाले पर देखा तो मताई करत है, अब में धान वान छीटी बराबर करके। देखा तो संगवारी हो, कितना मस्त मताई हो थे। और संगवारी हो, ये वाला जो खेत है वो मोर खेत हरे, एला रोपा वगैरह नहीं रखा था, वो आई करूँ कहाँ पर। अभी रोपा लगैया मन के रेट बहुत ज़्यादा है और तकलीफ जाते बहुत ज़्यादा, तो सीधा एक बार बुआई कर देता। पानी वानी की सुविधा है, अच्छा दवाई डाल दे तो मतलब बन वगैरह नहीं जागे और बहुत मस्त खर्चा बचत भी हो जाते। थोड़ा निंदाई बस में लगते है, दवाई वगैरह अच्छा डाल दे, निंदाई भी कम लगते, खर्चा कम आते, मतलब बुआई में रोपाई में ज़्यादा आते खर्चा है। वैसे बनिहार वनिहार के परेशानी नहीं रहा है निंदाई वगैरह के लिए। ये तभी मताई चला थे, ये थरहा डाला थे, इला सबसे पहली तो मता है बराबर कर है कोपरे ऊपरे है, ओकर बाद में अब धान ला छीता थे थरहा डाले पर। अभी तो बैठे है दादाजी और चाचा जी मन हाँ। और सबसे बेस्ट बात है कि दादाजी के बहुत ही बेहतरीन वीडियो डले है, देखा देखो साहू परिवार के सबसे बड़ा वृक्षारोपण वाला, और एक बार देखो वीडियो ला अच्छा लगी। ये हरे चाचा मन के ट्रैक्टर है, दादाजी मन के ट्रैक्टर है, और ये धान बहुत है, बढ़िया बढ़िया धान बहुत है, अच्छा रिसर्च वैरायटी लगा थे। एक बाद रोपा ऊपर लगा है, रोपा लगाए टाइम संगवारी हो मैं हाँ वीडियो बनाऊँ देखो जरूर। दे चाचा बोआ थे रंग रंग के धान रोपा लगा थे, ये धान हरे एकदम मस्त दिखत है। अभी मैं अभी पानी मिला थे जिगर से डूब जाए करके, तभी रोपा हर साल रोपा डालता था, रोपा में बने धान होते होते। फायदा क्या है रोपा डाले से? रोपा डाले से फायदा ये है हाँ, रोपा है बोईता से उपज भी ज्यादा से हाँ, वजन भी आते हाँ, वजन भी आते, बीमारी भी कम लगती, बीमारी भी कम लगती हाँ। और एक बार में लग जैसे हाँ, एक बार में लग जाते, दो चार आदमी में वो निंदाई भी हो जाते हाँ, हो जाते हाँ, हल्का कैसे हाँ, और बोतल चालबे फिर नींदे हाँ, खर्चा ज्यादा आते जैसे क्या आते तो आते खर्चा हाँ, बाकी वो उपज में आ जाते, उपज में आ जाते, वजन में आ जाते। हरी हो, देखा हुए थे छीता ही चला थे बाबा, छीता थे चिन्हा बना है पत्ता खोज के देखा तो। संगवारी हो, अभी मानसून भी लेट है, किसान मतलब बहुत लेट हो जाते, मतलब पहली तो अभी बुआई चालू हो जा रहा है एकादशी टाइम से, लेकिन अभी बुआई वुआई भी चालू नहीं हुआ है, तो अभी खेती किसानी थोड़ा लेट है।
कर पास बोर वगैरह साधन है, ओमन अभी थरा वगैरह डाला थे रोपा के लिए, और बाकी जब बोता वाला है वो मने पानी पलो है छोड़ दे है, जिगर से जो झरे हुए धान है रवि फसल के वो पूरा अंकुरित हो जागी, उसके बाद मताई होते करी फिर बुआई करी। और संगवारी हो मैं मोर खेत साइड में देखा था जैसे सफ़ेद वाला जो कोकड़ा रथे ना हमर तरफ ए यही टाइम में मानसून आए टाइम में एक ऐसे टाइप के आते कोकड़ा जेकर ना कलर दोनों मतलब सिर अलग टाइप के रथे, बाकी पूरा वाइट रही सफ़ेद में रही लेकिन उनका सिर बस अलग रहते देखा तो दिखत नहीं है, लेकिन वो दिन आ रहे हो तो पहुंचा रहे हो लेकिन एक कैमरा वगैरह भूल गए हो। तो संगवारी हो रोपा वगैरह लगाते अभी मानसून लेट है, तो बने रहो वीडियो में, इसने देखत रहो वीडियो ला और चैनल ला सब्सक्राइब करो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।